हाँ तो बच्चों यहाँ पर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का, जो कि होगा हमारा पैरामेट्रिक फंक्शंस, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पर हम बेसिकली सबसे पहले पढ़ेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं और उनको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए, कि पहले हम यही बात करते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। यहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि हमारे पास में एक वेरिएबल हो रहा था एक्स, दूसरा वेरिएबल हो रहा था वाई, और हम क्या कर रहे थे, y को डिफरेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर x को डिफरेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। अब यहां पर कोई एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है, जहां पर कि यहां पर एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है, वो क्या हो सकता है, थीटा हो सकता है, a हो सकता है, t हो सकता है, इस टाइप से कोई हमने थर्ड वेरिएबल को यहां पर इंट्रोड्यूस कराया, m हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑलराइट। तो यहां पर हम यदि थर्ड वेरिएबल को यहां पर इंट्रोड्यूस कराएं और उसके बाद में कहें कि एक जो हमारा एक्स है वो हमारा किस पर डिपेंडेंट है, किसी एक थर्ड वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, यानी कि एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, और दूसरा हमारे पास में वाई है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी। यहां पर एक्स भी टी पर फंक्शन है और वाई भी टी का फंक्शन है। इसको हम कह सकते हैं कि एक्स यहां पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, टी होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, टी होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो दो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसी एक पर्टिकुलर टर्म यानी कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। एग्जांपल से देखते हैं, x इज इक्वल टू हमारे पास में लिखा हुआ है यदि 2 sin t plus t, और यहां पर y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 cos square t minus 1। यहां हम देख पा रहे हैं कि x जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो t पर डिपेंडेंट है, y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो t पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहां पर यानी हम बात करें तो x इज इक्वल्स टू f फंक्शन ऑफ t है, यहां पर हम बात करें तो y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ t, यहां पर इसको हम gt से यहां पर रिप्रेजेंट कर दें। तो जब यहां पर दो फंक्शंस हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल पर दो फंक्शन है और एक पर्टिकुलर वेरिएबल से एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो उस टाइप के फंक्शंस को हम बोलेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन, और हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका प्रोसीजर होगा, x इज इक्वल टू ये हमारा t के टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है, तो हम इसको फाइंड करेंगे dx अपॉन dt, यहां से हम dx अपॉन dt फाइंड करेंगे, y इक्वल टू हमारा t के टर्म्स में डिफरेंस यहां पर, तो dy अपॉन dt। अब यहां से हमने dx अपॉन dt फाइंड किया, यहां से हमने dy अपॉन dt फाइंड किया, और हमें फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx को हम लिख सकते हैं dy अपॉन dt होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt, dy अपॉन dt होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt। यहां से हमारा क्या निकलेगा, यहां से हमारा निकलेगा क्या, dy upon dx। इसको हम एग्जांपल से सॉल्व करके समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो यहां पर हम x इक्वल्स टू लेते हैं, x इक्वल्स टू हमारे पास में है t स्क्वायर माइनस 2t, और y इक्वल्स टू हमारे पास में है t प्लस 1 upon t। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, we have to calculate the value of dy upon dx। तो यहां पर हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, देन dx upon dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2t minus 2, और यहां से हम dy upon dt की बात करें तो dy upon dt इक्वल्स टू हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन 1, 1 upon t का minus 1 upon t square, it means ये क्या हो जाएगा t square minus 1 upon t square। हमें फाइंड क्या करना है, dy upon dx, dy upon dx का फॉर्मूला क्या होगा, dy upon dx equals to dy upon dt whole divided by dx upon dt, dy upon dt हमारे पास में आया t square minus 1, t square minus 1 whole divided by t square, और यहां से dx upon dt की वैल्यू आई है 2t minus 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 times of t minus 1, और भी हम इसको यदि सिंपलीफाई करें तो t square minus 1 को हम लिख सकते हैं t plus 1 into t minus 1 whole divided by 2t square into of t minus 1, ये t minus 1 से cancel हो जाएगा, यहाँ पर आएगा t plus 1 whole divided by 2t square, this will be the answer of dy upon dx हो जाएगा, alright। Next example लेते हैं हम, x is equals to हमारे पास में है, और भी example से हम समझते हैं, यदि हमारे पास x is equals to a times of 1 minus cos theta, क्या है, a times of theta minus sin theta, theta minus sin theta, and y is equals to हमारे पास में given है a times of 1 minus cos theta,
a टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा, और यहां पर हमें प्रूफ करना है dy / dx इक्वल्स टू प्रूफ करना है cos थीटा / 2। हमें यहां पर प्रूफ करना है dy / dx इज इक्वल्स टू cot थीटा / 2। यहां से हमें जनरली क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इन क्वेश्चंस को हम सिंपलीफाई करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। x हमारा थीटा पर डिपेंडेंट, y हमारा थीटा पर डिपेंडेंट, dx / d थीटा फाइंड करेंगे, यहां से dy / d थीटा फाइंड करेंगे। dx / d थीटा हो जाएगा dx / d थीटा इक्वल्स टू a, a ही रहेगा बाहर, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 - sin थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा, राइट। यहां पर हम y को डिफरेंशिएट करें तो dy / d थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा a, 1 का हो जाएगा 0 - cos थीटा का हो जाएगा प्लस sin थीटा, माइनस कॉस थीटा यानी कॉस थीटा का ऑलरेडी माइनस साइन थीटा होगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि ए क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। हमसे पूछा गया डीवाई अपॉन डीएक्स, तो डीवाई अपॉन डीएक्स इक्वल्स टू डीवाई अपॉन डी थीटा यानी कि ए साइन थीटा होल डिवाइड बाय ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां से हमारे ट्रिग्नोमेट्री का काम शुरू हो जाएगा भैया, यहां से हमने डिफरेंशिएशन वाला काम तो पूरा कर दिया, अब हमें यहां पर कॉट थीटा / 2 फाइंड करना है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स के बेस पर होगा। अब यहां पर हम sin थीटा को हाफ एंगल में बदल सकते हैं, तो 2 sin थीटा / 2 * cos थीटा / 2 हो जाएगा, यहां पर 1 - cos थीटा, यहां पर हमने cos थीटा को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे और यहां से इस तरह से कन्वर्ट करेंगे 1 एलिमिनेट हो जाए, तो इसको लिखेंगे 1 - 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा / 2, राइट। यहां से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस देगा, तो क्या बचेगा 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 whole divided by हो जाएगा हमारे पास में, 1 से 1 कैंसिल होगा, 1 minus 1 that is cancelled, तो minus minus plus में आएगा 2 sin square theta by 2, 2 sin square theta by 2, 2 से 2 cancel, sin theta से 1 sin theta cancel, that is cos theta by 2 divided by sin theta by 2, that will get cot of theta by 2। Next हमारे पास example होगा, कोई डाउट नहीं होगा हमारे समझ में कि इस वाले क्वेश्चन में, ये सिंपल क्वेश्चन है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन से आते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल था। यहां पर हम केवल ये सीख रहे थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, आगे के क्वेश्चंस में हमें समझ में आएगा कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जब बढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि इसको ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल्स टू b sin स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल्स टू गिवन है a cos square theta, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, dy / dx फाइंड करना है, x को डिफरेंशिएट करेंगे, dx / d theta equals to क्या हो जाएगा b sin square theta का क्या हो जाएगा 2 sin theta into sin theta का क्या हो जाएगा cos theta। यहां से हम dy / d theta की बात करें तो dy / d theta equals to हो जाएगा 1 into 2 cos theta into cos theta का हो जाएगा minus sin theta। अब हम dy / dx की बात करें तो dy / dx में ये होल टर्म डिवाइड बाय दिस होल टर्म, तो क्या हो जाएगा minus 2a sin theta cos theta होल डिवाइड बाय 2a sin theta cos theta 2b sin theta cos theta, यहां से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, दैट विल गिव minus a / b। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल है, x is equals to given है हमारे पास sin inverse 2t / x is equals to है sin inverse 2t / 1 plus t square and y is given as tan inverse 2t / 1 minus t square, और यहां पर t की वैल्यू गिवन है, t is greater than 1 और हमें फाइंड करना है dy / dx, राइट। t is greater than 1 इस कंडीशन को याद रखेंगे, t greater than 1 गिवन है तो उसका हम कहां पर यूज करेंगे, समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने इनवर्स फंक्शन में सॉल्व किए हुए थे, मींस जहां पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहे थे वहां पर हमने इन टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब वो इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यहां पर x और y दो अलग-अलग हैं, तो यहां से x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, उसके बाद में dy / dx को फाइंड करेंगे। यहां पर यदि t को क्या मान लेते हैं, t को मान लेते हैं tan स्क्वायर थीटा,
इफ टी इज इक्वल टू टेन थीटा, नॉट टेन स्क्वायर थीटा, इफ टी इज इक्वल टू टेन थीटा, तो ये थोड़ा सा आसान बनेगा। यहां पर क्या बचेगा, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा। अब यहां पर हम बात करेंगे कि यहां पर t इज ग्रेटर देन वन, t ग्रेटर देन वन है, t को हमने क्या एज्यूम किया, टेन थीटा, टेन थीटा इज ग्रेटर देन वन, और t की वैल्यू जीरो नहीं होगी, राइट, t की वैल्यू यहां पर जीरो नहीं होगी, समझ में आ रहा है, यहां पर t की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ये भी कंडीशन में गिवन होगा। टेन थीटा इज ग्रेटर देन वन, तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इज ग्रेटर देन टेन पाई बाई फोर, टेन थीटा इज ग्रेटर देन टेन पाई बाई फोर। यहां पर टेन थीटा टेन पाई बाई फोर से ग्रेटर है, इट मीन थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई फोर, थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई फोर, टू थीटा की बात करें तो टू थीटा विल बी ग्रेटर देन पाई बाई टू, इट मीन्स ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट पे जा रहा। तो यहां पर जो टू थीटा है उसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स ऑफ, यहां से साइन टू थीटा को लिखेंगे पाई माइनस टू थीटा, देखो साइन पाई माइनस टू थीटा इज ऑल्सो साइन टू थीटा, तो यहां पर टू थीटा को पाई माइनस टू थीटा इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहां पर ये टू थीटा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए मैं बोल रहा था यहां पर t इज ग्रेटर देन वन इज इंपॉर्टेंट, तो यहां से साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स कैंसिल होगा, देन x इज इक्वल टू पाई माइनस टू थीटा, और अब हम थीटा को रिप्लेस करेंगे किससे, टेन इनवर्स t से, तो x इज इक्वल टू पाई माइनस टू टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स t, ऑलराइट, थीटा को हमने अब रिप्लेस किया किससे, टेन इनवर्स t से। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt हमारे पास में आता है, पाई को डिफरेंशिएट करेंगे जीरो हो जाएगा माइनस टू टाइम्स ऑफ, और टेन इनवर्स t को डिफरेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर आएगा। यहां से हमने dx अपॉन dt को फाइंड किया, ठीक, समझो इस बात को कि इस तरह से हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, और उसके बाद में हमें अब क्या करना है, y is equals to 2t upon 1 minus t square given है, तो हम इसको y को भी डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पर भी हम मान लेते हैं, लेट एज्यूम टू थी t इज इक्वल टू, यहां पर हम मान लेते हैं tan अल्फा, मान लेते हैं t इज इक्वल टू यहां पर सेकेंड में y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, यहां पर t इक्वल टू टेन अल्फा मानते हैं, तो क्या होगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स टू टेन अल्फा डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या देगा, टेन टू अल्फा, इट मीन्स y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन टू अल्फा, राइट, t इज ग्रेटर देन वन, tan यहां पर t इज ग्रेटर देन 1, तो tan अल्फा विल बी ग्रेटर देन 1, 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, तो अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाई 4, अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाई 4, अब 2 अल्फा की बात हो रही है तो 2 अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाई 2, अब 2 अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाई 2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे चला गया, अब ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा जहां पर ये टर्म पॉजिटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये टर्म पॉजिटिव रहेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में जब यहाँ पर टू अल्फा पॉजिटिव रहेगा तो इसको लिख सकते हैं टेन ऑफ पाई प्लस टू अल्फा, पाई प्लस टू अल्फा, टेन पाई प्लस टू अल्फा की वैल्यू ही तो टेन टू अल्फा होती है, बट यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइक कर नहीं रहा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव जाएगा, तो हमने इसको इस तरह से लिखा। अब यहां पर हमारे पास हो जाएगा y equals to pi plus 2 alpha, इसको हम अल्फा को रिप्लेस करेंगे किससे, t के टर्म्स में, तो pi plus 2 tan inverse t, यहां पर alpha equals to tan inverse t, तो alpha की जगह पे हमने tan inverse t पुट करा दिया। अब हम dy upon dt की बात करें तो dy upon dt में pi को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 into tan inverse t को करेंगे तो 1 upon 1 plus t square आएगा। यहां पर भी माइनस टू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर था, यहां पर टू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर है। अब हमें यहां पर कैलकुलेट करना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या होता है, dy अपॉन dt इंटू dy अपॉन dt होल डिवाइड बाई dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt हो जाएगा टू डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर,
और यहां पर ये हो जाएगा माइनस टू डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर, दैट विल बी गिव माइनस वन, यही हमसे पूछा गया था। तो यहां पर डीवाई अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस वन। यहां पर जब कंडीशन गिवन होती है तो इसको हम जब ब्रेक करते तो इस तरह से ब्रेक करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं, तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है x इज इक्वल टू cos t टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 cos स्क्वायर t एंड y इज इक्वल टू sin t टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 sin स्क्वायर t, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है, कहां पर एट x इज इक्वल टू नॉट एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर फाइंड करना है, राइट। यहां पर एट t इक्वल टू पाई बाय 4 पर dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर x इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t और y हमारा एक्सप्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ t, तो यहां पर हम dx अपॉन dt फाइंड करेंगे। तो पहले हम x को लिखें, x को लिख सकते हैं 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब t हो जाएगा, 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब t हो जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, देन dx अपॉन dt 3 cos t का क्या हो जाएगा माइनस sin t, तो माइनस 3 sin t हो जाएगा, माइनस 2 cos क्यूब t क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, अब cos t का क्या हो जाएगा माइनस sin t हो जाएगा, राइट। यहां से हम देखेंगे तो dx अपॉन dt क्या आता है, dx अपॉन dt आता है माइनस sin t, और यहां से 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6 sin t इंटू cos स्क्वायर t। इतनी बात समझ में आ रही है, dx upon dt equals to minus 3 sin t plus 6 sin t into cos square t। यहां हम y को देखें तो y equals to हो जाएगा हमारा 3 sin t minus 2 sin cube t हो जाएगा। dy upon dt find करेंगे तो dy upon dt हो जाएगा 3 sin t का हो जाएगा cos t minus 2 into sin cube t का होगा 3 sin square t और sin t का हो जाएगा cos t। इसको हम यहां पर लिख सकते हैं 3 cos t माइनस 3 टू जे 6 cos t इंटू साइन स्क्वायर t। यहां यदि हम dx अपॉन dt और dy अपॉन dt दोनों को ऑब्जर्व करें, यहां से यदि हम sin t कॉमन लेते हैं तो यहां से यदि हम 3 sin t कॉमन लेते हैं, 3 sin t कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा 3 sin t जाएगा तो 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 हो जाएगा, यहां से 2 cos स्क्वायर t ये माइनस 1 हो जाएगा। यहां से यदि हम देखें और 3 cos t को कॉमन लेते हैं, 3 cos t यदि हम कॉमन लेते हैं 3 cos t तो क्या होगा 1 minus 2 sin square t, यहां पर होगा 1 minus 2 sin square t, यहां पर होगा 2 cos square t minus 1। 1 minus 2 sin square theta क्या होता है, cos 2 theta होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 cos t into 3 cos t into cos 2 t, ये हो जाएगा dy upon dt। और dx upon dt को देखें तो 2 cos square theta minus 1 क्या होता है cos 2 theta, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 sin t into cos 2 t, राइट। ये हमारा हो गया dx upon dt और ये हमारा हो गया dy upon dt। अब हमें dy upon dx फाइंड करना है, तो dy upon dx हो जाएगा dy upon dt whole divided by dx upon dt, तो dy upon dt हो जाएगा 3 cos t into cos 2 t whole divided by, यहां पर होगा 3 sin t into 3 sin t into cos 2 t, तो ये क्या देगा कैंसिल हो जाएगा, ये देगा हमारा cot t, ये दिखाएगा cot t। अब यहां पर dy upon dx t के टर्म्स में आ रहा है और हमें फाइंड क्या करना है, dy upon dx at t equals to pi by 4, at t equals to pi by 4, तो यहां पर हम cot t की जगह पे हम रखेंगे cot pi by 4, और cot pi by 4 की वैल्यू क्या होती है, cot pi by 4 is equals to plus 1, तो ये हो जाएगा dy upon dx at t equals to pi by 4 equals to क्या होगा plus 1। This will be the answer of this question, और ये question 2014 में पूछा गया था बोर्ड में, राइट। अगला क्वेश्चन एक और करते हैं और इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर जाएंगे जहां पर कि एक फंक्शन को हमें दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और एट लास्ट में हम इसके हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन देखेंगे। यहां पर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू है हमारे पास a sin 2t टाइम्स ऑफ
a sin 2t times of 1 plus cos 2t, 1 plus cos 2t, और y is equal to है हमारे पास b cos 2t times of b cos 2t times of 1 minus cos 2t, 1 minus cos 2t, और हमें यहां पर बताना है dy upon dx at t equals to pi by 4, at t is equals to pi by 4 पर हमें यहां पर भी dy upon dx की वैल्यू बतानी है। तो यहां पर हम देखें x equals to 2 sin 2t times of 1 plus cos 2t है, तो cos 2t को इस तरह से ब्रेक करें कि 1 यहां से eliminate हो जाए, तो कैसे कर सकते हैं, और यहां से भी हम यहां पर cos 2t को इस तरह से ब्रेक करें कि यहां से 1 eliminate हो जाए, तो क्या होगा, x equals to होगा a sin 2t हो जाएगा। अब यहां पर 2 cos square t minus 1 लिख सकते हैं, तो multiply हो जाएगा 2 cos square t minus 1, तो यहां से बचेगा केवल 2 cos square t, इसको लिख सकते हैं 2 cos square t minus 1, तो 1 से minus 1 cancel हो जाएगा, तो बचेगा 2 cos square t। similarly यहां पर हम देखें तो y equals to b cos 2t, यहां से लिखें cos 2t को 1 minus 2 sin square t लिखेंगे, तो यहां से होगा 1 minus 2 sin square t हो जाएगा, तो ये 1 से 1 cancel हो जाएगा, minus minus plus, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, multiply में हो रहा 2 sin square t। यहां हमारे पास में x is equals to 2a times of sin 2t into cos square t, इसको हम differentiate करेंगे, तो dx upon dt, t के respect में differentiate कर रहे हैं, तो ये 2a common हो जाएगा, अब sin t पहला function, cos square t दूसरा, sin 2 पहला sin 2t पहला term, cos square t दूसरा term, first into differentiation of second, तो sin 2t into differentiation of second, cos square t को differentiate करेंगे, तो 2 cos t into cos t का हो जाएगा, minus sin t, right, प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यहां से प्लस में सेकंड इनटू, यानी कि सेकंड क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर t इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, sin 2t का क्या हो जाएगा, cos 2t, और यहां पर 2t का क्या हो जाएगा, 2, ये हमारा dx upon dt आ रहा है। तो dx upon dt की बात करें तो dx upon dt equals to 2a हो जाएगा। अब यहां पर 2 cos t into sin t, यहां पर क्या हो जाएगा, sin 2t हो जाएगा, तो माइनस sin square 2t, minus sin square 2t, plus 2 cos square t into cos 2t। अब हम dx upon dt को at t equals to pi by 4 की बात करें, dx upon dt at t equals to pi by 4, t equals to pi by 4 यहां पर यदि हम put करते हैं, तो क्या आता, 2a, यहां पर t equals to pi by 4 put करेंगे, तो यहां पर एक क्या बचेगा, sin square pi by 2, और sin square pi by 2 की वैल्यू होती है 1, तो यहां पर ये बचेगा minus 1, प्लस यहां पर cos 2t, यानी कि cos pi by 2, cos pi by 2 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहां से dx upon dt at t equals to pi by 4 क्या आता है, minus 2 आता है। अब हम यहां पर y equals to जो term given है उसको हम differentiate करेंगे with respect to t, तो हमारे पास में यहां पर y is equals to given है b times of cos 2t into 2 sin square 2t, तो यहां पर हम dy upon dt की बात करें तो यहां से 2b तो आगे कॉमन ले सकते हैं, अब cos 2t into sin square t, तो cos 2t first into sin square t का हो जाएगा 2 sin t into sin t का हो जाएगा cos t, plus first into differentiation of second, अब sin square t, sin square t, अब यहां पर cos 2t को differentiate करेंगे तो क्या आएगा, sin 2t into 2, और ये क्या आएगा, माइनस के साथ में आएगा, तो यहां पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां पर हम देखें तो dy upon dt equals to क्या हो रहा है, 2b times of यहां पर 2 sin t into cos t, यानी sin 2t बना रहे, तो यहां पर cos 2t into sin 2t minus 2 sin 2t into sin square t। अब हम dy upon dt at t equals to pi by 4 पर देखें, dy upon dt at t equals to pi by 4, तो क्या होगा, 2b, t की वैल्यू pi by 4, यहां पर pi by 4 रखेंगे तो cos 90 जो कि क्या होगा, 0, माइनस यहां पर sin 90 बना रहा है, तो यहां पर तो 2 हो जाएगा, यहां पर माइनस 2 into sin 90, sin 90 की वैल्यू क्या होगी, sin 90 यानी 1, तो -2 into
वन। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर होगा यानी कि 1/2 हो जाएगा। यहाँ यदि हम देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, दैट इज ये कितना आ रहा है -2b आ रहा है, ये कितना आ रहा है -2b, यहाँ पर ये कितना आ रहा है dx/dt -2a आ रहा है। अब हमें फाइंड करना है dy/dx, तो dy/dx dy/dt, dy/dt दैट इज -2b और dx/dt दैट इज -2a, तो -2b/-2a ये क्या आएगा b/a आएगा, यही हमारा आंसर होगा। dy/dx एट x इज इक्वल टू dy/dx एट t इज इक्वल टू π/4 कितना आता है b/a आता है। ये क्वेश्चन भी शायद ये 2016 या 17 में बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस टाइप से क्वेश्चंस हमारे मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जाम में आते हैं और यहाँ पर ये बिल्कुल मार्क्स को गेन करने वाले क्वेश्चन होते हैं। जितने आप अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर लोगे ये आसान है और इसको कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, मीन्स ये हमारे फ्री के मार्क्स होते हैं यदि हम इनको सीख गए तो। ठीक है,